looking for you now and then. Someone just like you, who can make me feel the way you do. 'Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. Let's run, run away. All I need is you, now and always. You and me, you and me. We don't need no one else than each other. You and me, you and me. We could run. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं और खुश हैं, मज़े में हैं। और आज मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग करती हूँ। और पिछला ब्लॉग जो है वो कौन सा था? हाँ, वो जिसमें आई थिंक मैंने आपको शॉपिंग दिखाई थी। तो काफ़ी टाइम में हो जाता है व्लॉग करते करते भी, कसम से। हालांकि रोज़ रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, तो चलें तीन चार दिनों बाद जो काफ़ी मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, लेकिन बहुत सा वक्त ऐसा आता है जिसमें मैं कैमरा ही नहीं पकड़ती। घर में भाग दौड़ लगी होती है और मैं बस अपने काम कर रही होती हूँ। और खैर, सॉरी मैं शोर के लिए। आप सब सुनाएं कैसे हैं और लाइफ कैसी जा रही है? आप जहाँ जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मौसम कैसा है? जी बेटा, पॉपकॉर्न खाने हैं? अच्छा, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर आप पॉपकॉर्न खाएंगे। और मैं निकाली हूँ ये वायरस लैपटॉप की। मैं जब आती हूँ तो किसी भी पॉलीथीन बैग में लेके आ जाती हूँ नीचे चीज़ें, और फिर इसी तरह जाते हुए भी पॉलीथीन बैग में लेके जाती हूँ ऊपर। तो ये है पीछे मेरा बेटा जिसका एंकल स्प्रेन हो गया था। ये गिर गया था स्टेयर से ना तीन चार दिन पहले, तो इसका एंकल स्प्रेन हो गया था और काफ़ी स्वेलिंग हुई भी थी और स्कूल नहीं जा रहा है। तो अब माशाल्लाह ही इज़ बेटर और चल सकता है, लेकिन इसको बाबा ने कहा कि अभी भी 1-2 डेज और रेस्ट करो। और वो ऑइंटमेंट्स और पेन किलर्स वगैरह इसकी चल रही हैं। ये जो है ना, ये देखें, इस तरह से करके इसे ओपन करते हैं, ये पूरी नॉब बाहर निकल आती है और फिर उसके बाद ये अंदर लग जाता है और बस फिर उसके बाद आप इसे ऐसे बंद करते हैं, खोलते हैं। और ये इतना टाइट है कि इसको मिशी जो है ना वो नहीं खोल सकता। फिर से बंद तो कर सकते हैं लेकिन खोल नहीं सकता। और ये आप पूछते हैं ये क्या है, ये एल्यूमिनियम फॉइल है। कई लोगों को नहीं पता, ज़्यादातर को तो ऑब्वियसली पता होगा। तो ये एल्यूमिनियम फॉइल है और मैं इसके ऊपर इसे लगाती हूँ ताकि मुझे बहुत ही जो है ना हद से ज़्यादा नीट क्लीनिंग ना करनी पड़े। ये मेरी सुस्ती की वजह है जी। ओ नो, ये तो फायर है, इसको नहीं छेड़ते। चलो मैं मिशी का खाना बनाऊँ। चलो, ये है बच्चों का ब्रेकफास्ट। और तिहामी को योगर्ट सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं और ब्रेड के अंदर योगर्ट डाल के तो सैंडविच बना के खाता है। और वैसे वो शुगर डाल के योगर्ट लेता है, लेकिन इस सैंडविच के लिए उसको शुगर पसंद नहीं है। और तिहामी को मैंने एक बहुत बुरी आदत डाल दी हुई है बचपन से कि वो इसके क्रस्ट नहीं खाता। और मिशी जो है वो क्रस्ट ही खाता है, वो ब्रेड नहीं खाता। और मिशी के लिए मैंने योगर्ट में शुगर डाल दिया और दोनों एक जैसा ब्रेकफास्ट करेंगे। मेरी ज़्यादातर कोशिश अब ये होती है कि दोनों को एक जैसे ही ब्रेकफास्ट कराऊँ। और तो चलें स्ट्रगल शुरू करते हैं। और मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो मैं स्किप कर रही हूँ। मैं ये पानी पीऊँगी और शायद इसके बाद एक और बॉटल भी पीऊँगी और फिर उसके बाद शहजाद आएंगे तो मैं एक ही बार खाना खा लूँगी। हेलो, हाउ यू डू? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. Ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them.
बैठ के जब मैं अपना लंच कर लूँगी तो फिर मैं बैठ के प्रॉबेबली थोड़े से केक्स वगैरह देखूँ कि मैंने क्या केक बनाना है. एक्चुअली इंशाल्लाह मैं शादी का बर्थडे आ रहा है 10th of November को और बस हम ही लोग होंगे. ऑब्वियसली इस नई जगह पे शिफ्ट हुआ है तो और क्या बर्थडे होना है, हम लोग उसे गिफ्ट वगैरह दे देंगे और केक कटिंग कर लेंगे, बस यही है. और शहजाद का प्लान है कि जो ब्लूबेरी चीज़ केक होता है ना वो उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें क्या मुझे भी तिहामी को भी हम सबको बहुत पसंद है सादुद्दीन का. तो शहजाद कह रहे हैं कि बस वही लाएंगे और कोई मेहनत ना करो, केक कटिंग करते हैं और बस उसके बाद बैठ के खा लेंगे. लेकिन तिहामी मुझे कह रहा है कि मामा मैं शादी के लिए कोई केक बनाएं, उसका प्यारा सा केक बनाएं. और बाकी बेशक बच्चा अभी समझता नहीं है बट आई थिंक थोड़ा सा होना चाहिए कि बच्चे के लिए मेमोरीज तो बने ना. तो ह्यूज बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, एटलीस्ट बच्चे के लिए मेमोरीज हैं कि हाँ मामा ने बाबा ने एफर्ट की थी, तो भाई ने एफर्ट की थी. और तो कोई केक देख लूँ सिंपल सा. अब इसमें यह है कि मैं आपको भी दिखाऊंगी सारा कि मैं कैसे बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, किस तरह से करती हूँ. और क्या है, मिशू को शवल मिल गया और मिशू लेके आ गया. अब सैंड तो होती नहीं यहाँ पे, शवल से जो है वो हमारी पिटाई करेगा और क्या. अच्छा एक और चीज़ मैंने बहुत जोश के साथ डिसाइड किया कि मैं चाइनीज़ वीक करूँगी. और मैंने शुक्र है कि पहले अनाउंस नहीं किया था अपने उस चैनल के ऊपर. और मैंने दो डिशेस बनाई एक दिन जो कि अभी एडिट होकर अपलोड होनी है और राइस के साथ मैंने बनाई और खाई भी, शहजाद ने भी शौक से खाई, हम लोगों ने भी खाई. लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि 5 days सिर्फ चाइनीज़ और वो नहीं हो सकेगा क्योंकि अब शहजाद की रूटीन ये है, ईटिंग हैबिट्स उनकी थोड़ी चेंज हो गई हैं क्योंकि वो दोपहर में, आपको मैंने बताया ना, सुबह 9 बजे जाते हैं और दोपहर 12 बजे आते हैं, फिर उसके बाद 4 बजे दोबारा उनका ऑफिस लगता है और फिर उसके बाद 9 o'clock वो ऑफ हो जाते हैं. पहले 9:30 थे, अब जो चेंज हुई है टाइमिंग तो 9 o'clock. तो इस तरह से है तो वो ना रात में अब खाना नहीं खाते, शाम में थोड़ा सा वो मंच कर लेते हैं, घर से कुछ ले जाते हैं और वहाँ पे ही बैठ के मंच कर लेते हैं. और हैवी डिनर वो रात में नहीं करते क्योंकि जब से यहाँ पे आए हैं उनकी एक्सरसाइज छूटी हुई है तो वो इस वजह से अपने हेल्थ के बारे में, आपको पता है हम लोग काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, तो वो नहीं खा रहे हैं. और मैं भी डिनर स्किप कर रही होती हूँ, मैं तो हैवी डिनर करती ही बहुत कम हूँ. तो लंच जो है वो ही हम लोग जो है ना अच्छे तरीके से भर भर के अपनी प्लेट्स और मज़े मज़े का हमें कुछ लंच में खाना होता है. तो उसमें जब रोज़ाना राइस मिले, हमें रोज़ाना राइस खाने की आदत नहीं है और रोज़ाना जो है वो, फिर इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं रोज़ाना नहीं करते हैं कि शहजाद बेचारे कोऑपरेट तो बहुत करते हैं, खुश होकर जो चीज़ बनाऊँ खा लेते हैं, लेकिन ये टॉर्चर करने वाली बात हो जाएगी क्योंकि चाइनीज़ जो है ना वो इतना हेल्दी फूड होता है और इतना लाइट वेट होता है, उसमें पता नहीं क्या ऐसा मैजिक होता है कि चाइनीज़ खाते आधे घंटे में आपको फिर भूख लगी होती है. वही वाइट राइस होते हैं और लेकिन चाइनीज़ ग्रेवी बहुत ही जो है ना लाइट वेट होती है. तो वो बेचारे भूख से फिरते रहेंगे और जिस दिन चाइनीज़ खाया उस दिन घर आकर उन्होंने दोबारा खाना खाया कि मुझे बहुत भूख लगी. तो मैंने सोचा कि नहीं, वो अपने लिए हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो ये गलत है कि मैं चाइनीज़ बना के फिर रात में भी खाना खाने लगते हैं. तो रख दो. तो ये स्टोरी है. तो इस वजह से मैंने चाइनीज़ वीक नहीं किया, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर करूँगी कि ऑफ एंड ऑन बीच में जो है ना रैंडम, जैसे मैं पिछले कुछ दिनों से देसी फूड ही बना रही थी तो वो इस वजह से, क्योंकि मैंने चाइनीज़ और ये जो इटालियन साइड है उसको संभाल के रखा हुआ था कि वीक्स करूँगी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया वीक्स नहीं करूँगी तो फिर मैं रैंडम कभी देसी फूड आपको नज़र आएगा, कभी कोई और इंटरनेशनल कुजीन नज़र आएगी. तो ये स्टोरी है. बाकी चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं. हमें चल के तो दिखाओ कैसे चलते हो. देखो भैया आ रहा है, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, चलो. वो थे हमें, आप पढ़ते हो ना बुक डायरी ऑफ अ विम्पी किड, आप अपनी डायरी लिखो डायरी ऑफ अ, मिशु एक मिनट चुप करो, आप वो बुक पढ़ते हो ना डायरी ऑफ अ विम्पी किड, अपने बारे में आप बुक लिखो डायरी ऑफ अ लिम्पी किड, डायरी ऑफ अ लिम्पी किड, लिम्प कह रहे हो ना. हाँ जी हाँ जी. और आप स्प्रिंग की तरह चलते तो स्प्रिंगी किड भी हो सकता है, डायरी ऑफ अ स्प्रिंगी किड, स्पंजी किंग किड. मम्मी
ये कौन जा रहा है? तोबा तोबा, ये कौन है बास्केट मैन? या तो ये भी ज़ॉम्बी है। बास्केट मैन लग रहा है मुझे। हेलो बास्केट मैन, ये क्या फूड ना गिराना प्लीज आप लोग सोफा पे। मिशू बास्केट मैन पीछे हो यहाँ से। और ये यूट्यूब मैन, बस उसको दूसरे से छोड़ दो। जब ये शुक्र को छोड़ के हसीन को करेंगे, हसीन तो मार देगा। वो भाभी है, वो लड़की है। मैं बोला और नहीं, आपने पीठ पीछे बोला है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं तो कुछ बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे किसी से नहीं सीखी, आपको दिखाई देता है आप तक नजर। और ये मैंने ट्यूबलाइट्स लगवा ली है क्योंकि किचन में जो है ना हर वक्त बहुत लाइट डिम थी ये बल्ब्स की वजह से, येलो लाइट्स हैं और इस वजह से ट्यूब्स लगवा ली हैं। अब ये कि यहाँ पे सेटअप इस तरह से होता है कि वायरस सामने नज़र आती हैं, बट दैट्स ओके, ऊपर ही है ना, कोई बात नहीं। तो इस वजह से अब किचन में काफ़ी लाइट है और होपफुली जो येलो येलो सी डिशेज, हर सारी डिशेज आपको तो सही लगती थी लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो येलो येलो सी लगती थी, तो अब वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा ये कि मैंने एक ट्यूबलाइट शहजाद से कह के इधर भी लगवा ली है। और ये वही कबर्स हैं जो तिहामी के रूम में पड़ी हुई थी उस घर में, और यहाँ पे हमने ये स्टोर में रख ली थी तो के स्टोरेज वगैरह के लिए। लेकिन मुझे अब फील होता है कि मुझे थोड़ा सा मेरी मेकअप की प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे भी होनी चाहिए, और जो ये मेरी वो है रेसिपीज़ वगैरह की कलेक्शन, मिशी के शूज़ और थोड़ी सी चीज़ें, मतलब इस तरह से होनी चाहिए स्टोरेज की रखने के लिए। तो उसमें ज़रा ये इजी हो जाता है, जैसे अब आजकल जो है जैकेट्स का, स्वेटर्स वगैरह का वेदर आ गया है तो इसके लिए। तो ये है, वैसे ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही तरह के हैं। कभी वो फजूल खर्ची करते हैं और मैं उन्हें रोकती हूँ, कभी मैं फजूल खर्ची करती हूँ, शहजाद मुझे रोक रहे होते हैं। और खैर ये नहीं है कि हम आउट ऑफ बजट जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बजट में रहते हैं, लेकिन फिर भी बजट में रह के भी अगर आप थोड़ी सी सेविंग कर पाए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने उसको लगा देने, उड़ा देने पैसे। तो स्पेशली शहजाद मुझसे नहीं लेते पैसे ज़ाहिर घर के खर्चे में, तो मुझे ये होता है कि मैं अपने पैसों से ये कर लूँ, मैं अपने पैसों से वो कर लूँ। तो मुझे शौक हो रहा था कि मैं नई कवर लेके वहाँ पे रखवाऊँ। तो शहजाद का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बात ये नहीं है कि कौन पैसे लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा ऑब्वियसली, लेकिन यह कि बात यह है कि फजूल में पैसे लगाने की ज़रूरत क्या है। अब कबर्स पड़ी हुई हैं तो वो स्टोर में से निकाल के बाहर रख ली जाएँ, तो ज़रूरी है कि हमने नई कबर लेके रखनी है जो मैचिंग ही हो। मैचिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, ऑलरेडी सब मैचिंग है, बस काफ़ी है। तो पॉइंट उनका बिल्कुल ठीक था, और फिर मैंने जो है वो नई कबर नहीं खरीदी है और उन्हीं को निकाल के तो रख लिया था। मुझे किसी ने कॉमेंट भी किया था कि लगता है आज आपका ना आजकल बहुत शॉपिंग का दिल हो रहा है, और शॉपहॉलिक तो मैं वैसे नहीं हूँ, जिस तरह लोग लेते हैं उस तरह ही आई थिंक लेती हूँ, हर वक्त नहीं मैं खर्चे करती, लेकिन और जो बजट मुझे शहजाद देते हैं मैं उसी में ही रहती हूँ, मैंने कभी फालतू पैसे शहजाद से नहीं मांगे। लेकिन इस बार मुझे कोई दौरा वाकई पड़ा हुआ है, मुझे है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो खैर वो दौरा शहजाद नहीं मेरा रोकना, हस्बैंड वाइफ मेरे ख्याल यही होते हैं कि एक दूसरे को अच्छे तरीके से सपोर्ट करते रहें और एक दूसरे को गाइड करते रहें कि कहाँ पर सही है और कहाँ पर गलत है। तो खैर अब मैं शुरू करती हूँ बेकिंग दूसरे चैनल के लिए। तिहामी को कोई मार रहा है, तिहामी बेचारे की चीखें ऐसे निकल रही हैं। इसमें एक पिज्जा है जिसमें टमाटोज आपने खाने क्या थे हामी को कौन मार रहा है? कोई भी नहीं। चलो बैठ जाओ मिशी, बैठ जाओ। बेटा आपका फूड सुबह दिखाऊंगा फिर बताऊंगा, अभी तक रात तक जो है थोड़ी स्वेलिंग है, तो एक दिन आपका और होगा। One more day to go. वो देखो बेबी नजर आ रहा है मेरे में, देखो वो देखो। नहीं आज फर्स्ट डे, आज संडे था। That's नहीं it? मैं स्प्रेन का कह रहा हूँ। हाँ स्प्रेन। बाबा ये लिए फेंक दे। मैंने मिशी का फेस दिखाना है। मिशी वो देखो बाबा क्या करते हैं।
उसको दे छोटा सा पीस देना क्योंकि ये बार बार गिरवाएगा तो छोटा सा था। नहीं नहीं बेटा प्रॉपर खाओ तो सही ना। मिशी को क्या हंसी आ रही थी। खाने दो सर। किधर जा रहे हो? मैडम ढूंढने। कैमरा को देख के बोलो क्या ढूंढने जा रहे हो। इधर देखो अब बताओ क्या ढूंढने जा रहे हो। ओके इतना प्यारा मौसम हो रहा है। इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना प्यारा मौसम है, बहुत मजा आ रहा है, है ना मीशू? सासा डर रहा है। मिस्टर मिशारी सासा कैटो से डर रहे हैं। सासा मिलम मिलम लगाई है इसने कैटो से। मिलम इधर है ही नहीं। मिलम चली गई है वो तो कब की चली गई। मिशारी कैट को कहते हैं मिलम। और अब देखते हैं कि हाँ जी बहुत मजा आया। थैंक यू। इसको भी मजा आया वो भी बता रहा है। आप इधर जंप ना करो बाबा उठाएंगे ना बेटा। अभी सारे सीन देखे मेरा बेचारा एंकल स्प्रेन वाला बेटा कैसे जाता है। तिहामी बाय सी यू। नो सॉरी बाय। वो भैया को छोड़ के भाग गया। ओ उधर बाबा चले गए। ओ वो देखो बाबा क्या कर रहे हैं। अल्लाह और मिशु ईवल बाबा। मिशु इधर आओ मामा के साथ। वो देखो भैया को लेने जा रहे हैं बाबा। वो गिर जाओगे पीछे गिर जाओगे। रुक जाओ ना इधर साइड पे हो जाओ। वो देखो बाबा कैसे लाते मिशु आया को। आपने भी आने गोदी में। ओके ये क्या चीज ये क्या चीज लेके जा रहे हैं आप। आपने भी आने गोदी में। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गोदी में आएगा तो मिशी भी आएगा है ना मिशू। जिद कर करके गोदी में आ गया जी। मिलम चली गया खाना खा के नीनी करने चली गई। चलो हम भी नीनी करें खाना खा के। Hey, where have you been? I've been looking for you now and then. Someone just like you, who can make me feel the way you do. 'Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. Let's run, run away. All I need is you, now and always. You and me, you and me. We don't need no one else than each other. You and me, you and me.